जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में रविवार को आतंकियों ने दो गैर स्थानीय मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। बीते 15 दिनों के अंदर आतंकियों ने 13 आम नागरिकों को निशाना बनाया है। वहीं 24 घंटे से भी कम समय में गैर कश्मीरी मजदूरों पर ये तीसरा हमला है। गैर स्थानीय मजदूरों और कामगारों ने कश्मीर से पलायन शुरू कर दिया है। वहीं गृह मंत्री ने एक स्पेशल टीम एक्शन के लिए कश्मीर भेजी है। शनिवार की शाम को बिहार के एक रेहड़ी पटरी वाले और उत्तर प्रदेश के एक बढ़ई की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के कुछ घंटों बाद ही दो और बिहारी मजदूरों को निशाना बनाया गया। कश्मीर में हो रही इन हत्याओं को लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने स्पेशल ऑपरेशन के लिए एक टीम कश्मीर भेजी है। स्पेशल टीम यहां पर आतंकवाद फैला रहे आतंकियों का खात्मा करेगी। स्पेशल टीम दिल्ली से कश्मीर पहुंच चुकी है, मगर ताबड़तोड़ हत्याओं से दहले नॉन कश्मीरियों ने घाटी छोड़ना शुरू कर दिया है। लोगों में दहशत है। रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशन और जगह जगह पर मजदूर अपने समूहों में अपने गृह राज्य के लिए रवाना हो रहे हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों के लोगों की भीड़ पलायन करती नजर आ रही है। इधर सभी जिला पुलिस प्रमुखों को मैसेज भेजा गया है कि वो गैर कश्मीरी लोगों को सुरक्षा दें। ऐसे गैर स्थानीय मजदूरों को तत्काल नज़दीकी पुलिस थाने या केंद्रीय अर्धसैनिक बल या सेना के प्रतिष्ठानों में लाया जाए ताकि उनके जानमाल की सुरक्षा की जा सके। गैर स्थानीय मजदूरों की सुरक्षा के लिए 10 जिलों को भेजे गए निर्देश में लिखा है कि इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट।